नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के संसार के बारे में। शुक्र ग्रह जो है 27 अप्रैल से संसार के दौरान अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। अभी तक वो कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि से संसार कर रहे थे, अब वो संसार करेंगे मीन राशि जो कि बृहस्पति महाराज जुपिटर प्लैनेट की राशि है। और जुपिटर प्लैनेट की राशि मीन में जाकर शुक्र ग्रह उचके हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। अगर शुक्र जो सारे ब्रह्मांड में सुख साधनों का मालिक है, लक्ष्मी जी का कारक ग्रह है, और दूसरे वे में हम कहें कि असुरों का भी जो है वो गुरु है, यानी कि जितने भी सुख आराम साधन शादी विवाह सब का कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। इसके साथ साथ शारीरिक तौर पे हम लेते हैं तो हमारे जितने भी एनर्जी है उसका भी कारक ग्रह है, बच्चे पैदा करने का कारक ग्रह, और इसके साथ साथ जितने प्राइवेट पार्ट्स की बीमारियां या और जो भी आपके इससे संबंधित हैं उनका भी कारक ग्रह है। अब शुक्र ग्रह और जो शुगर की बीमारी होती है उसका भी शुक्र कारक ग्रह है, यानी मेडिकल लाइन पे ले दो। अतः शुक्र ग्रह का संसार जो है ये अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो शुक्र ग्रह मजबूती से अगर संचार करेंगे और वो भी अगर बृहस्पति के साथ, बृहस्पति पहले से ही मीन राशि में संचार कर रहे हैं, यानी एक गुरु देवगुरु और दूसरे दैत्य गुरु, यानी के दोनों गुरु इकट्ठा संचार करेंगे, लेकिन शुक्र महाराज लक्ष्मी के कारक और बृहस्पति महाराज धन के कारक, तो वो बुद्धि से अपनी मेहनत से या किसी और रास्ते से यानी के सुख साधनों में फायदा करेंगे। अगर फिर कह रहा हूँ अगर आपकी कुंडली में शुक्र सही जगह विराजमान है, दशा अंतर दशा में भी वो ठीक चल रहे हो तो। चलिए अब मैं बात करता हूँ राशियों से। मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह 12वें भाव से गुजरेंगे। 12वां भाव जो है भौतिक सुखों का होता है और यहाँ पे शुक्र ग्रह काफी फायदा देंगे, इसके साथ साथ आपके प्रोग्रेस में भी काफी फायदा करेंगे। दूसरी राशि टॉरस है जो शुक्र की अपनी राशि है, उसके 11वें भाव से शुक्र ग्रह गुजरेंगे। अतः टॉरस राशि के जो भी जातक हैं, देश है विदेश है दुनिया है, उनके लिए शुक्र ग्रह काफ़ी फायदा करेंगे, दोस्तों से फायदा करवाएंगे, शादी विवाह की रुकावटें आपकी जो है पूरी होंगी, और इसके साथ साथ शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको काफ़ी लाभ के आसार हैं। आप बात करते हैं मिथुन राशि की, तो शुक्र ग्रह 10वें भाव से गुजरेंगे और 10वें भाव से आपके कर्मों के अनुसार आपकी पदोन्नति वगैरह करवाएंगे आप, क्योंकि सामने 4th हाउस को भी देख रहे हैं तो आपके सुख साधनों में भी वृद्धि करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है वो 9वें भाव से गुजरेंगे। आपकी विदेश यात्राओं में जो है वो फायदा होगा, मगर पैसा कहीं आपने व्यापार वगैरह में लगाना है तो सोच समझ के लगाइएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की लियो, उसके शुक्र जो है 8वें भाव से गुजरेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने पैसे वगैरह के लगाने के बारे में काफ़ी सावधानी करनी होगी, खास करके बिजनेस वगैरह में, तो और साथ में स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की, बुध की जो राशि है कन्या, शुक्र ग्रह आपके 7वें भाव से गुजर रहे हैं, शादी विवाह में कोई रुकावट है शुक्र ग्रह फायदा करेंगे, और शादी नहीं भी हो रही तो शुक्र ग्रह करवाने में फायदा करेंगे आप कोशिश करें तो। इसके साथ साथ आपके व्यापार वृद्धि में फायदा करेंगे, नौकरी वगैरह में फायदा करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे करवाएंगे आपका इमेज भी ठीक बनेगा। इसके बाद बात करते हैं जो है अगली राशि तुला राशि की, तुला राशि के शुक्र ग्रह 6वें भाव से गुजरेंगे और यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान रखना है और पैसा वगैरह के लेन देन पे भी बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद
बात करते हैं वृश्चिक राशि। पांचवें भाव से गुजरेंगे, आपकी औलाद को काफ़ी फायदा होगा, संतान उत्पत्ति में फायदा करेंगे शुक्र ग्रह। इसके अलावा जो है, अगर आप एजुकेशन में, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छे साधन भी बनवाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद धनु राशि चतुर्थ भाव, आप गाड़ी, बंगला, जो भी आप, अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं खरीदना चाहें तो उसमें फायदा करवाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी इमेज अच्छी होगी, मन मजबूत होगा, और इसके साथ साथ आपको हर लिहाज से आपके प्रोफेशन में भी प्रोग्रेस दिलवाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की, तो शुक्र ग्रह जो है आपके तीसरे भाव से संचार करेंगे। जितनी आप भाग दौड़ करेंगे उतनी ही लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी, व्यापार में, सरकारी नौकरी के लिए, या जहाँ भी कोशिश करेंगे तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको होगा और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी संबंध ठीक बनेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह जो है दूसरे भाव से संचार करेंगे, और रुका हुआ कोई धन है यानी कि पैसे का अच्छा आप जो है वो कर, मजबूती से वो बना सकते हैं, और इसके लिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। साथ ही कुटुंब वगैरह में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान होगा, शादी विवाह में कोई रुकावट है तो वो भी आपकी सही होगी। इसके बाद आखिरी राशि मीन राशि, जहाँ से खुद शुक्र ग्रह बृहस्पति महाराज के साथ संचार कर रहे हैं, तो वहाँ से तो वारे न्यारे हैं, यानी फायदा ही फायदा करेंगे। और जितना आप कोशिश करोगे कर्मानुसार उतना ही धनलक्ष्मी का वास होगा और उसका आशीर्वाद होगा। अतः जिनके शुक्र ग्रह कुंडली में कमज़ोर हैं और आप फायदा उठाना चाहते हैं, या संचार में ठीक नहीं चल रहे और या दशा में ठीक नहीं रिजल्ट आ रहा, तो आप उपाय भी कर सकते हैं शुक्र ग्रह के, लक्ष्मी जी की उपासना करें। इसके साथ साथ जो है आप जितना कोशिश हो सकता है कन्याओं को जिनका विवाह नहीं होता उनकी मदद कर सकते हैं श्रद्धानुसार, और पशुओं को चारा वगैरह खिलवाइए, पक्षियों को जितना आप दाना वगैरह डालेंगे, चावल वगैरह खिलाएं, उतना ही फायदा होगा। इसके साथ साथ जो है शुक्र ग्रह के लिए आप, अगर आपके पास पैसे वगैरह हैं तो अच्छा कोई जितना भी आप सुख साधनों का कोई भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या आप दान दक्षिणा दे सकते हैं अपने श्रद्धानुसार पैसे की या जो भी साधन से, तो वो भी आपके फायदा करेंगे। अतः आप इस संचार के दौरान शुक्र ग्रह का फायदा उठाइए, जो कि लगभग एक महीना रहेंगे 27 अप्रैल के बाद से। तो और जितना भी संसार में ये परेशानियां वगैरह चल रही हैं, अगर उनकी भी कुंडली में सही होगा शुक्र, तो फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।